माकड़वाली वाली के पास ही वर्षों पहले सब्जी मंडी का शिलान्यास कर उसे बना दिया गया लेकिन वहां पर भी सरकारी उदासीनता के अभाव के चलते कोई विकास नहीं हो पाया और सब्जी मंडी धीरे धीरे खंडर होती चली गई क्षेत्रीय नागरिक गणेश गुर्जर और लियाकत चीता ने बताया कि यदि सब्जी मंडी चालू हो जाए तो पंचशील विजय राजे सिंधिया कॉलोनी पृथ्वीराज नगर योजना वैशाली नगर चौरासियावाद सहित आसपास के गांवों से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है यहां दूर दूर तक कोई सब्जी मंडी नहीं है ऐसे में प्रशासनिक उदासीनता के चलते यहां असामाजिक तत्व तो मौजूद रहते हैं और धीरे धीरे यहां लगाए गए चद्दर और अन्य सामान तक निकाल कर ले जा चुके हैं उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सब्जी मंडी के लेते हुए इसे यथाशीघ्र चालू कराया जाए हम इस मंडी के अंदर खड़े हैं गणेश पटेल दस साल से बनी हुई है ये बहुत खंडर हो रही है दुर्दशा हो रही है यहाँ सामाजिक गतिविधियाँ अड्डा रहता शराबियों का जुआरियों का जमावड़ा बना रहता है और ये खंडर हो रही है बुरी तरह से करोड़ों रुपया सरकार की लागत है अभी तक तो उसका अत्ता पत्ता नहीं चलने का <coughs> दीवारें टूट गई कांच टूट गए इधर आपके खंडर होगी दीवारें वीवारें सारी टूट फूट होगी कोई तबत नहीं है ये चालू हो गए तो इस एरिए को इस गांव खेड़ा, दूर दराज को सबको रोज़गार मिले तो ऐसा होना चाहिए सब स्थिति तो बिल्कुल खंडर हो रहे थे कुछ चदरे भी लेके काफी इधर वो कांचवाद लेके खिड़की दरवाजे सारे पूरे चौपट हो गए गवर्नमेंट का करोड़ों का नुकसान हो गया लेकिन कोई पता ही नहीं इसका कोई दोरी नहीं या तो बनाते ही नहीं इसको या तो चालू अब करते प्रोजेक्ट दस साल पहले बना के खंडर कर दिया तो ये अब फिर वापस टेंडर होगा फिर वापस पैसा लगेगा तो गवर्नमेंट का पैसा तो खराब हो रहा है ना साहब तो चालू होनी चाहिए ये जल्दी आस पास गाँव खड़े दूर दराज के जो पंचिले चिपौ कॉलोनी है पृथ्वीराज विजयराज सिंधिया कॉलोनी इसके पास में भी कई नगर है तो उनको सबको रोजगार मिलेगा कुछ दिन पहले अखबार में भी आया था कि चालू होने अखबार में तो कोई चार पांच बार हो गया उसका पता बनता है वो झूठ है वो तो अखबार में तो फोकड़े भाई, भाई भाई लूट लेते हैं कोई पता ही नहीं है कोई धड़ी दूरी नहीं है इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक कुछ भी नहीं है चालू होने की दुर्दशा नहीं लग रहा है साल से इंतजार कर रहे हैं वैसे तो इसको अलॉट हो गए साल हो गए पर दस साल में ये कंस्ट्रक्शन ही हो गया इसका और अभी तो कोई तपता ही नहीं है अगर चालू होता तो किस तरह के रोजगार मिलेगा पब्लिक को रोजगार मिलेगा ना जी अब गाँव वाला जाते हैं रामगंज मंडी उस शहर के उधर जाते हैं तो यहाँ रोजगार तो मिलेगा इस एरिया को गाँव खेड़ा वालों को अब जैसे इतनी बड़ी पंसिल कॉलोनी है इनमें सब्जी वगैरह दूर रामगंज जाना पड़ता है यहाँ के पब्लिक यहाँ की जनता को यहाँ अच्छी सुविधा मिल जाए पुष्कर राज इतना पास में है ये पुष्कर गाँव वाले भी सब्जी लेके वहाँ रामगंज जाते हैं तो उनको भी यहाँ सब्जी देने आएंगे तो कम बजट में उनको सब्जी मिलेगी, मिलेगी और काफ़ी राहत मिलेगी और आसपास के युवा जितने भी हैं मजदूर वर्ग हैं उनको भी कार्य में उनको रोज़गार मिलेगा और बहुत सी सालों से उजड़ पड़ी है मंडी तो ये चालू होना चाहिए कितने साल हो गए इस इसको दस पंद्रह साल हो गए साहब और इसकी दुरदृश्य देकर कुछ भी नहीं हुआ अखबारों में आती है बस धरातल पर कुछ नहीं होता है सब, इतने, उखाड़ सब उखाड़, उखाड़ के लगे और पब्लिक क्या पैसा है गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है ध्यान देना चाहिए इनको अभी कैसे हालत हो रही है बहुत बुरी हालत हो रही है साहब पूरा जंगल जंगल और का बस बेवड़े दारू पीते हैं और रहते हैं बाकी और कुछ है जी नहीं